तो हेलो गाइस, इन दिस न्यू वीडियो सो अभी क्या है कि 15 को आपकी रेस्पॉन्स शीट जो है वो आ जाएगी। और अलग अलग कोचिंग वाले क्या करेंगे कि वो लोग अपने अपने रैंक प्रेडिक्टर्स जो है वो बनाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कितना आप रैंक प्रेडिक्टर पर रिलाई कर सकते हो कि आपकी रैंक कितनी आएगी, उसके बारे में पहले बताऊंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो लोग भी लेने की सोच रहे हैं वो जल्दी से जल्दी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि 16 फरवरी तक एक ऑफ़र है जिसमें आपको 10 के ऊपर 10% ऑफ मिलेगा। मतलब जो 12 मंथ्स का कोर्स होगा वो आपको सिर्फ 26,000 में मिलेगा, 18 मंथ्स का 33,000 का और 24 मंथ्स का 38,000 का। और इस ऑफ़र को लेने में आपको देरी नहीं करनी है, क्योंकि ये ऑफ़र जो है वो 16 फरवरी तक ही वैलिड है। तो अभी के अभी इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाएँ। और जो भी लोग गेट 2023 या गेट 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए अनअकैडमी में नए बैचेस जो हैं वो चालू हो चुके हैं। नेक्स्ट जो बैचेस हैं वो 16 फरवरी 2022 से चालू हो रहे हैं, जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं विद गेटिंग 10% ऑफ यूजिंग माई कोड US10। और ये बैचेस जो हैं वो सारी ही ब्रांचेस के लिए चालू हो रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे ड्रॉपर्स के लिए अलग से बैचेस भी ऐड हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस और आईटी के लिए अलग से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 16 फरवरी से स्टार्ट होंगे, जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं फॉर 10% ऑफ यूजिंग माई कोड US10। और इन बैचेस को लीड कर रहे हैं संचित जैन सर, सुब्बा राव सर, विश्वनाथ गोटी जैसे 15+ ईयर्स वाले टीचर्स, जो कि आपके डाउट सॉल्विंग पैटर्न्स को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन को एक बहुत ही अच्छा बूस्ट दे सकते हैं। तो बिना देरी के अभी के अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो उसको जानने से पहले हम लोग पहले बात करते हैं कि रैंक प्रिडिक्टर्स आखिर काम कैसे करते हैं। तो रैंक प्रिडिक्टर कैसे काम करते हैं, तो जब तक कि ऑफिशियल आंसर की नहीं आती तब तक बहुत सी कोचिंग वाले क्या करेंगे कि वो खुद की एक आंसर की बनाएंगे एंड देन जब आप अपनी रेस्पॉन्स शीट का लिंक वहां डालोगे तो वो रेस्पॉन्स शीट उस आंसर की पे वैलिडेट होगी और आपके कुछ मार्क्स जो है वो वहां पे आ जाएंगे। एंड देन क्या होगा कि ऐसे ऐसा बहुत सारे लोग करेंगे, तो जब बहुत सारे लोग अपनी अपनी रेस्पॉन्स शीट जब वहां पे अपलोड करना चालू करेंगे तो वहां पे रैंक्स बनना चालू हो जाएंगी और वही रैंक आपको दिखेगी। अब ये कितना ज्यादा रिलायबल है, मतलब किस इस पे कितना ज्यादा विश्वास कर सकते हो, तो इसको मैं डिवाइड करता हूं पहले कि आपकी रैंक शो क्या हो रही है उस हिसाब से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टॉप 500, टॉप 100 पहले बात करते हैं। जो लोग की टॉप 100 में रैंक आने वाली है उनकी जितनी रैंक रैंक प्रिडिक्टर पे शो होगी एक्चुअल में उनकी लगभग लगभग उतनी ही रैंक आने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर जो टॉपर बच्चे होंगे जिनकी रैंक लगभग लगभग 100 या उससे नीचे आ रही होगी, वो सारे ही अपनी जो आंसर अपनी जो रेस्पॉन्स शीट है वो उस रैंक प्रिडिक्टर पे चेक करेंगे। वो सभी लोग अधिकतर लोग जो है वो उस रैंक प्रिडिक्टर पे चेक कर चुके होंगे, जिस वजह से टॉप 100 जो होंगे उनकी रैंक हमें एक्यूरेटली मिलेगी। बात करें टॉप 500 में तो यहाँ पे एरर रेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे वो शायद उस जगह पे चेक नहीं कर रहे होंगे अपनी कॉपी जहाँ पे आप लोग कर रहे हो, तो यहाँ पे एरर रेट जो रहेगा वो थोड़ा रहेगा। अब इसमें मैं अपना एग्जाम्पल देके आप लोगों को बता देता हूँ कि एरर रेट कितना रह सकता है। तो मैं जब पहले इवेलुएट कर रहा था बिफोर एक्चुअल आंसर की जो आई थी, तो मेरे को मेरे मार्क्स जो थे वो 57 दिखा रहा था और आंसर के आने के बाद मेरे मार्क्स जो थे वो बढ़ गए थे 258.5। सो इन मार्क्स पे अगर मैं कैलकुलेट कर रहा था तो मेरी जो रैंक थी वो मिनिमम, तो रैंक जो होती है रैंक प्रेडिक्टर्स पे दो तरीके दिखाई, एक मिनिमम वैल्यू दिखाई जाती है एक मैक्सिमम, मतलब इस रेंज के अंदर जो आपकी रैंक आएगी, तो मिनिमम अराउंड 300 दिखा रहा था और मैक्सिमम अराउंड 700 दिखा रहा था।
मेरे मार्क्स बढ़ गए, फिर भी मेरी जो एक्चुअल रैंक है वो 525 आई। तो ये आप देख सकते हो एरर है, यहाँ एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, और जबकि टॉप 100 में जो होगा वो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम को जिस तरीके से दिखाएगा कि मिनिमम मान लीजिए 65 है और मैक्सिमम आपकी 75 है, तो यहाँ पे जो है बहुत कम रेंज दिखाएगा, जबकि यहाँ पे रेंज जो है वो ज़्यादा दिखाएगा। अब बात करते हैं टॉप 1000 की, तो यहाँ पे एरर रेट जो है बहुत ज़्यादा रहेगा। मैं अपने फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एरर रेट बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो आप यहाँ से जिन लोगों की भी रैंक 500 के ऊपर दिखा रहा है वो लोग बिल्कुल भी इस पे रिलाई ना करें कि उनकी रैंक उतनी ही आने वाली है। तो मैं अपने फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ, उसकी जो रैंक थी वो 900 दिखा रहा था, और जब एक्चुअल रैंक जो आई वो अनफॉर्चुनेटली 1302 दिखा आई थी। सो इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो हो सकता है, लेकिन डिसअपॉइंट होने वाली बात नहीं है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग 900 सोच के उस हिसाब से चीज़ें देखना चालू कर दोगे, लेकिन एक्चुअल रैंक में डिफरेंस हो सकता है, और ऐसा नहीं कि ये डिफरेंस हमेशा बढ़ेगा ही। एक्चुअल आंसर के आने के बाद कई लोगों की रैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम भी हो जाती है, तो ऐसा भी होता है। और जिनकी भी रैंक 1000+ दिखा रही है उनके लिए रैंक प्रेडिक्टर यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन जो है काफ़ी ज़्यादा है। सो यहाँ पे नहीं पता लगा जा सकता कि आपकी रैंक एक्चुअल में आखिर कितनी आएगी। सो दिस इज़ ऑल, यही मैं बता रहा था कि आखिर रैंक प्रेडिक्टर्स कैसे काम करते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।